अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल हुदा स्टिचिंग पॉइंट। तो देखें, आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं एक बड़ा प्यारा और डिसेंट सा जो है वो दामन डिज़ाइन तैयार करने लगी हूँ। इसके लिए मैंने जो है ये चार अलग अलग कलर के फैब्रिक ले लिए हैं और उनको इस तरह से स्क्वायर में कटिंग कर लिया है। जो इनकी चौड़ाई और लंबाई है वो तकरीबन जो है वो डेढ़ इंच है। ये देखें, दोनों तरह से डेढ़ डेढ़ इंच है। अब ये देखें, चारों को मैंने इस तरह से रख के इनका एक जो है वो स्क्वायर रेडी करना है। चले हम अब बनाना शुरू करते हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने जो वो दो दो का पेयर बना लिया है, पिंक और मरून का और ऑरेंज और फेरोजी का। इस तरह से इनको सीधा कर लेंगे और इनके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से दो दो को करके मैंने सबकी सिलाई लगा लिया। इसी के साथ आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप ना किया करें और एंड तक ज़रूर देखा करें। आप वीडियो पर तो आ ही गए हैं तो इसको पूरा भी देख लिया करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। अब जो मैंने क्या करना है कि जो दूसरे दो कलर है उनको भी इसी तरह से इकट्ठा करके उनकी भी सिलाई लगा लूँगी। यहाँ ये फिरोजी और ऑरेंज को मैंने लिया है और उनको इकट्ठा करके उनकी सिलाई लगाने लगी हूँ। इस तरह से मैंने एक के बाद एक सबको जो है वो जोड़ लिया। देखिए, इस तरह से मैंने इनको अब जोड़ लिया, इकट्ठा कर लिया। अब इस तरह से दो को जो है वो सीधा करना है और इसके ऊपर दूसरे दो जो है वो सीधे करके उल्टे रख लेने हैं। तो दरमियान वाली जो मेरी सिलाई है ना वो इकट्ठी आनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने इनको सीधा कर लिया है और अब इसके ऊपर जो है सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरह से दूसरा और फिर तीसरा जो मैंने इनको सीधा करके सिलाई लगा लिया है। मुझे यहाँ पे तकरीबन जो है वो 20 इस तरह के स्क्वायर तैयार करने हैं। देखिए, मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ मैंने एक बुकरम लिया है, इसकी जो चौड़ाई और लंबाई है वो भी डेढ़ इंच है। इस तरह से मैंने इसको तैयार करके एक निशानी सी जो है वो बना ली है और इसको जो है सिलाइयों के ऊपर रख के इसको अच्छी तरह से जो है वो मैंने आयरन कर लिया। देखिए, इस तरह से आयरन करके इसको अपने फैब्रिक के साथ मैंने पेस्ट कर लिया है। अब इस तरह से कोई एक तरफ जो है वो हमने उसको मोड़ लेना है और एक और स्क्वायर लेके उसको इसके उल्टी तरफ ऐसे रख के इधर से भी मोड़ के इधर सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखें, बाकी जो तीनों साइड्स हैं उनके ऊपर अच्छी तरह से सिलाई लगा लेंगे। देखिए, इस तरह से तीनों तरफ मैंने सिलाई लगा लिया है। बुकरम के साथ साथ बड़ी एहतियात से सिलाई लगा लेनी है और इस तरह से एंड पे एक दफ़ा पक्का कर लें। मैंने हर यहाँ पे नहीं किया लेकिन बाकी की दफ़ा किया था। देखिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया, इनको सीधा कर लिया। इस तरह से बड़ी प्यारी सी जो है वो चकोर बन गई है। यहाँ पे जो वो मैं हैंड स्टिच करने लगी हूँ। इसके साथ साथ गुम सिलाई के साथ जो वो हमने इसको बंद कर लेना है। ओके, इस तरह से जो वो मैंने यहाँ पे तकरीबन 9 जो है वो ये स्क्वायर्स रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ जो शर्ट है इसके नीचे मैंने इस तरह से जो है बुकरम लगा के इसको फोल्ड कर लिया और इसकी तरपाई करने लगी हूँ। अब एक तो जो है मैंने मीड में निशान लगा लिया। अब यहाँ पे मैं एक रखने लगी हूँ। अब इसके साथ साथ जो रख के बाकी की भी हम मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से इनको रख के तो सबकी मार्किंग कर लेंगे कि ये कहाँ कहाँ आएंगी। अब ये मेरे पास पर्ल्स हैं, अब मैं इनकी मदद से इनको अटैच करने लगी हूँ। जैसे ये जो मैंने टसल बनाए हैं, टसन या लटकन आप कह सकते हैं, इसके ऊपर धागे से एक दफ़ा पक्का करके फिर जो हम अपना मोती पुरवाएंगे। अब इसके बाद इसको शर्ट के साथ अच्छी तरह से अटैच कर लेना है। अब ये देखें, इस तरह से जो है वो इसको इसके साथ अटैच कर लेना है और अच्छी तरह जो है वो पक्का कर लेना है। इस तरह जो मैंने इसको अच्छी तरह से पक्का करके
यहाँ से धागा काट लिया। अब इसी तरह से मैं अपने ये सारे जो लटकन है इनको शर्ट के साथ अटैच कर लूँगी। ये देखिए मैंने सारे जो है वो लटकन शर्ट के साथ अटैच कर लिए हैं। ये देखें जी मैंने सारे जो है वो अपनी ये लटकन शर्ट के साथ अटैच कर लिए हैं और ये कितनी प्यारी और डिसेंट सी लग रही हैं। देखिए इस तरह से ये हिलती जुलती कितनी प्यारी लग रही है और दोनों तरफ चकोर लगाने का ये मकसद था कि जब ये घूमे तो दोनों तरफ हमारा ये डिज़ाइन आए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।